नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान न्यूज नेटवर्क में। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी डेमोक्रेट कमला हैरिस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताने वाले रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप में कौन जनता का भरोसा जीतने में सफल रहा, इसका जवाब आज तय हो जाएगा। और यह भी तय हो जाएगा कि अमरीका आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगा। हालांकि दोनों के बीच काफी कड़ा मुकाबला होने के कारण नतीजों में देरी की आशंका भी जताई जा रही है। यह जानना भी रोचक होगा कि मुकाबला कितना नजदीक रहा। चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप समर्थकों में हिंसा पर उतर आने के इतिहास को देखते हुए इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को आधिकारिक तौर पर मतदान शुरू हो गया है। न्यू हैम्पशायर के डिक्स विले नोज में मतदान सुबह शुरू हो गया। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के इस छोटे से शहर के 6 पंजीकृत मतदाताओं ने दशकों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए आधी रात को वोट डाले। अधिकांश मतदान केंद्रों पर मंगलवार शाम तक मतदान हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की चुनाव प्रयोगशाला के आंकड़ों के अनुसार सोमवार रात तक 8.2 करोड़ से अधिक मतदाता प्री पोल वोटिंग के तहत मतदान कर चुके थे। हैरिस या ट्रंप जो भी जीतेगा अगले 4 साल तक देश का नेतृत्व करेगा और इस दौरान प्रमुख मुद्दों पर सरकार की नीति को तय करेगा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के लिए दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आम आदमी की जेब से जुड़े आर्थिक मुद्दे और प्रजनन अधिकारों से लेकर विदेश नीति तक सभी पर दोनों नेताओं के विचार एक दूसरे से काफी अलग है। उपराष्ट्रपति ने मध्य वर्ग की मदद करने, मूल्य वृद्धि पर नकेल कसने और हाउसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक नीतियों के पैकेज का भी वादा किया है। हैरिस और ट्रंप दोनों के अनुसार 2024 में देश का भविष्य दांव पर है। हैरिस ने तर्क दिया है कि ट्रंप की फासीवादी प्रवृत्तियों और कानून के शासन की अवहेलना के कारण देश का संविधान खतरे में है। दूसरी तरफ ट्रंप की दलील है कि हैरिस के कट्टरपंथी वामपंथी एजेंडे के कारण अमेरिकियों के लिए कोई देश नहीं बचेगा। हैरिस का कहना है कि अगर ट्रंप फिर से चुने जाते हैं तो राष्ट्रीय गर्भपात प्रतिबंध लाएंगे जिससे महिलाओं के प्रजनन स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राम राम।